करवा चौथ आने वाले के मन ना आज सर हटो सर हटो तुम हटो अल्लाह सर वेट सर थोड़ा इधर आ जाए हाँ मैम एक बार मास्क निकाल के सोलो सोलो बोल गाना चालू है सर सोलो 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 चले ऐसे भी चले नहीं डंड चल बैठ कर ले हेलो मैम आई एम द पीआर ऑफ महाराजा वो थैंक्स फॉर कमिंग पीआर ऑफ कर ले क्या भाई हां कर ले पूछना कर दे पता कि स्मॉल बाइक इंटरव्यू सर कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको शादी के लिए सबसे पहली बात तो क्या कहना चाहेंगे सर क्या कहना चाहेंगे बोल दिए जितना बोलना शादी से पहले बस मैम कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी सर कितना ध्यान रखते हैं आपका सर बहुत ध्यान रखते हैं लॉकडाउन में भी साथ में थे तो सबसे अब तक तो ध्यान ही रख रहे हैं सर कैसी रही सेलिब्रेशन मतलब लॉकडाउन में शादी होना मतलब धूमधाम से मतलब बिना फ्रेंड्स अपने फायदे अपने नुकसान रहे बहुत सारे पैसे बच गए क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाना नहीं पड़ा 20-25 लोगों में ही हो गया सब कुछ बड़े आसानी से तरीके से दोस्त रूठे नहीं मनाना नहीं पड़ा है ना वो सारी चीज़ें भी हुई हैं लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जो मेरे दोस्त हैं उनको बहुत मिस किया मैंने और जैसे ही अब सब ठीक होगा तो एक बार उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे बट आई थिंक जो जब होना होता है वो हो जाता है और लॉकडाउन था मेरे को लगा इससे बेटर ऑप्शन नहीं है घर पर रहेंगे एक दूसरे को समझ भी लेंगे पता चल जाएगा टाइम साथ में बिता सकते हैं कि नहीं बिता सकते तो आई थिंक वो अच्छा हो गया हमारे लिए और आज आप महाराजा भोज में आए लंच के लिए यार ये हमारा पहला ऑफिशियल लंच है शादी के बाद इनफैक्ट शादी से पहले भी लोग कहीं नहीं गए शादी से पहले एक बार गोवा गए थे चोरी चोरी बिना बताए लोग और ये हमारा पहला है और मुझे लगा कि जो पहली ऑफिशियल हमारी वो है डेट थोड़ी खास होनी चाहिए तो आई थिंक इससे बेटर जगह कोई है नहीं जहाँ पर आपको पेट भर खाना भी खा सकते हो और खाने में वेरिएशन कितना मिल जाएगा और सेफ्टी हाइजीन सबका ध्यान यहाँ रखा जाता है इसलिए ये जगह क्या क्या खाता मतलब क्या क्या खाने वाले हैं क्या क्या ऑर्डर सर के लिए आप क्या ऑर्डर करेंगे और सर देसी फूड लवर है सर जो हम देसी खाना खा सकेंगे वो जरूर खाएंगे ये मेरे लिए ऑर्डर नहीं करती ये मुझे ऑर्डर करती थोड़ा फर्क है बाकी क्या क्या खाने वाला ऑप्शन है यहाँ पर क्या वेरिएशन बहुत है अगर आप सिर्फ थाली भी ऑर्डर करोगे ना तो आपको उसके अंदर भी एक ले लो फिर ये ले लो फिर ये तो वो चलता जाएगा वो मतलब इतना बड़ा मेन्यू है तो सोचा नहीं क्या खाएंगे बाकी अंदर जाके देखते हैं ये लोग क्या क्या खिलाएंगे आपके दोस्तों से किन किन शुभकामनाएं मिले टेलीविजन फ्रेंड से आपके कई सारे सबसे मिले शुभकामनाएं सबसे मिली है हिम्मत बहुत लोगों ने दी है जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं क्या दिया कुछ टिप दिया कि नहीं यार मुझे समझ नहीं आता वो मुझे दुआएं दे रहे थे मुझे समझा रहे थे जैसे जय हो गया प्रिंस हो गया सुरेश हो गया पटेल हो गया करण इन सब लोगों ने पहले तो तेरे को लड़की किसने दे दी मैंने कहा बस दे दी भगवान की दुआ से किसी ने चलो ठीक है बेटा आ जा अब वो मुझे समझ में नहीं आया कि ये वेलकम था कि बेटा आ जा चल कि आ जा जो हम भुगत रहे हैं अभी वो तेरी बारी है वो कुछ कंक्लूजन है अभी आई थिंक टाइम के साथ साथ दूर होगी तो आई थिंक 6 महीने बाद में आपको बेटर बता पाऊंगा शुभकामनाएं थी यहाँ मॉर्निंग और आने वाले दिनों में किस तरह का सेलिब्रेशन दिवाली भी है करवा चौथ भी है तो कुछ आप फास्टिंग सेलिब्रेशन बस शुरू हो चुकी है आज से आज जो पिछली बाहर आ गए हैं करवा चौथ की तैयारियां चल रही है उसके बाद दिवाली है बस अभी चलेगा सब कुछ थैंक यू सो मच थैंक यू सर थैंक यू आप खाना खाएं चलो अपना